पिता तुल्य बुजुर्गगण सहोदर भ्राता एवं सत्संग पांडाल में पधारी हुई समस्त दैविक शक्तियां, सर्वप्रथम अपने गुरु महाराज के चरणों में वंदन करते हुए, माता पिता के चरणों में वंदन करते हुए अपने आराधीष्ट श्री हनुमान जी महाराज को नेत्रों में समाहित करते हुए, अधिष्ठात्री जगत जत्ती जगत दाती जगत जननी जगदम्बा माँ सिद्धिदात्री को अपने हृदय में बिछाते हुए माँ शारदा ने जो भी मेरे जिहवा पर शब्द स्वरूपी प्रसाद दिया वो आप तक पहुंचाऊंगा। आशा करता हूं किसे सुन के आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, क्योंकि मेरे भाई बहन धर्म जो है ये चर्चा का विषय नहीं चर्या का विषय है। जब तक धर्म चर्या में नहीं आएगा इसका कोई महत्व नहीं है। कल आप लोगों ने कथा में सुना सती के संशय से एक संशय किया तो सती को देही और गेही दोनों छोड़ देना पड़ा। इसी तरीके से हमारे मानव जीवन में सांसारिक जीवन में संशय की कोई जगह नहीं है। सती ने देही और गेही दोनों का त्याग किया और पुनः शिव को पाने के लिए महाराज हिमांचल के घर में जन्म लिया है। और आज काग भुसुंडी कथा सुना रहे हैं। गरुड़ को अहंकार हो गया है तो शिव ने कहा कि जाओ आप काग भुसुंडी से कथा सुन के आओ। जिस दिन महाराज हिमांचल के घर में उमा ने जन्म लिया है उस दिन से वहां की रोचकता ही बढ़ गई है। यहां विषय आती है जीवन शैली जीने की, तो हम जीवन जीना चाहते हैं लेकिन जीवन जीने की कला भूल गए हैं। मृत्यु दो प्रकार से होती है तिवारी जी, एक कुमृत्यु और दूसरी सुमृत्यु है जी। अगर ये जीवात्मा मृत्यु से कुछ क्षण के पहले निष्काम भाव से इच्छा रहित होकर प्रभु के चरणों में समर्पण कर देती है तो ये अजन्मा हो जाती है, पुनः इसे जन्म लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं में व्याप्त हो गया। लेकिन आज उमा को पुनः जन्म क्यों लेना पड़ा, क्यों हुआ पुनर्जन्म? क्योंकि उनके मन में एक खेद था कि मैंने अपने परमात्मा श्री हरि शिव की बात को भी नहीं सुना। अगर मैंने उन पे संशय नहीं किया होता तो शायद ये दिन नहीं आता। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उसे किसी की बात अच्छी नहीं लगती। स्वयं शिव ने सती से बार बार कहा, अरे सती जिनकी कथा मुनि ने सुनाई यानी अगस्त ऋषि ने सुनाई थी, जिनकी मैं भक्ति करता हूं, ये वही मेरे श्री हरि इष्ट आराध्य देव राम है, पर विश्वास नहीं। उसी को पाने के लिए आज सती ने पुनः जन्म लिया है और जन्म लेते ही उन्होंने, जब उनके दांत भी नहीं है
कोई शौक नहीं, कोई सिंगार नहीं, एक दृढ़ संकल्प लिया है सती ने कि मुझे शिव को पाना है। मैं जितने भी जन्म लूं उतनी बार शिव को ही पाके रहूं। ओंकार की हलचल होती है, योग माया सृष्टि का निर्माण करने की इच्छा रखती है। सर्वप्रथम योग माया ने ब्रह्मा विष्णु शिव को उत्पन्न किया, बाद में ब्रह्मा के पास जाती है, विष्णु के पास जाती है, कहती है मुझसे विवाह करो। उन्होंने नकार दिया, माया ने भस्म कर दिया। शिव के समीप पहुंचती है, शिव ने कहा इससे पहले भी और किसी से कुछ कहा था? कहने लगी मैंने ब्रह्मा और विष्णु से कहा। तो उनका क्या हुआ? बोले उनको भस्म कर दिया। शिव ने कहा कहीं मेरा भी नंबर ना आ जाए। शिव ने कहा कि मैं आपसे विवाह करूंगा लेकिन इस शरीर से नहीं, क्योंकि आपने सृष्टि का निर्माण किया है, आप मुझे पाने के लिए ये शरीर त्याग दो और जब जब जन्म लोगे मैं आपको ही स्वीकार करूंगा। यही कारण है एक बार सती ने कहा था कि आपके गले में जो ये मुंड मालाएं हैं किसकी हैं? ये जो 108 मुंड माला गले में डाल के रखते हो ये क्या है? भगवान शंकर ने कहा मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं और सती आपने 108 बार जन्म लिया और जब भी आप मुझे छोड़कर जाने लगे तो ये मुंड काट कर मैं गले में धारण करता गया, क्योंकि ये मेरे साथ आपके होने का आभास कराते थे। वही 108 मन के हैं और जिन्हें हम आज रुद्राक्ष कहते हैं, रुद्र धन अक्ष अस्तु रुद्राक्ष। रुद्र का मतलब शिव, अक्ष का मतलब आंसू। भगवान शंकर जब सती के विरह में भटक रहे थे, उनके नेत्रों से जहां जहां अश्रुधाराएं गिरी वहां से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। और हमारे गले में रुद्राक्ष का होना यानी शिव के समीप होने का संकेत है। किम गृह गुहा एक अति पावन, हिम गृह गुहा एक अति पावन, हिम गिरि गुहा एक अति पावन। महाराज देवऋषि नारद को श्राप दिया हुआ था ना दक्ष प्रजापति ने कि जाओ तुम कभी स्थिर नहीं रह सकते। जैसे ज्योतिषी कहता है कि जिसके पैरों में गाय का खुर का निशान हो वो कभी स्थिर नहीं हो सकता। देवऋषि नारद पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण दासी के पुत्र है। हरि भक्ति करने के कारण उन्हें मानस पुत्र ब्रह्मा का माना गया और अगर आप हरि भक्ति करेंगे तो भोपाल होना ही है। आए प्रसंग की तरफ चलते हैं। जन्म लेते ही बालिका ने कहा मुझे हरि स्मरण करना है,
तो मेरे भाई बहन ध्यान देना, आज की जैसी दशा है कि अच्छा खाना सबको खाना है लेकिन अच्छा उगाना कोई नहीं चाहता। कोई किसान अपने बेटे से ऑर्गेनिक खेती नहीं कराना चाहता, इसका प्रादुर्भाव देखिए। एक पीढ़ी जाएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी पीढ़ी में बच्चा बोलता है मुझे दादा के घर जाना है, उसका घर नहीं बोलेगा वो, मुझे कहाँ जाना है, दादाजी के घर जाना है। हम बच्चों को प्रकृति से दूर रखकर बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारा बच्चा शहर में जाए, हमारे बूढ़े बुजुर्ग नगर में बैठे हैं। बच्चा आपका शहर में रहने लगा, थोड़े दिन रह लिया, उसका बेटा होता है, उस बेटे से पूछो कहाँ जाना है तो बोलता है दादाजी के घर जाना है, यानी रिश्ता खत्म होता चला जा रहा है। प्रकृति से भी और परमात्मा से भी, शिक्षा से भी और संस्कृति से भी। दूसरे के बच्चे को संत मानकर सेवा दुनिया कर लेती है, लेकिन अगर खुद का बच्चा साधु बनने निकल पड़े आए हैं, शिवाजी आना चाहिए पड़ोसी के घर में, महाराणा प्रताप भी आना चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर। आज राजकुमारी ने निर्णय लिया है कि नहीं, मुझे शिव को पाना है। छोटी सी अबोध बालिका का संकल्प है, क्योंकि इससे प्रारब्ध का ज्ञान है, क्यों तिवारी भाई, और निर्णय ले लिया कि मुझे शिव को पाना है। अब परमात्मा को पाने के मार्ग कितने हैं, मैं आपसे पहला मार्ग बताऊंगा। साधारण आप दुकान पे जाते हो, नमक खरीदते हो तो क्या पूछते हो, क्या भाव है? साधारण नमक को खरीदने के लिए भाव की जरूरत है, इसलिए परमात्मा को पाने के लिए निष्काम भाव की जरूरत है। अष्टांग योग से जाएंगे तो हठ योग, कर्म योग, ध्यान योग, ये सारे मार्ग है। सिद्धि योग, साधना योग, इस राह से जाना है। लेकिन आज उमा ने हठ पकड़ लिया है कि नहीं, मैं पाके ही रहूंगी शिव। जब भी आप हरि राम के राह पर चलोगे, परमार्थ के राह पर चलोगे, तो सबसे पहले अपने ही रास्ता रोकते। इसलिए अक्सर मैं कहता हूं कि न हारा है इश्क, न दुनिया थकी है, हवा चल रही है, दिए जल रहे हैं, सुकून ही सुकून है, खुशी ही खुशी है, तेरा गम सलामत मुझे क्या कमी है, दियाओं के बदले मकान जल रहे हैं, लगता है मंजिल करीब आ रही है। जब भी भक्ति के राह पर कोई चलता है, उसको रोकने के लिए आलोचना की हवा चलती थी, चलती है, चलती ही रहेगी, लेकिन भक्ति के दीप जलते थे, जलते हैं और जलते ही रहेंगे। अरे बालिका तो बड़ी छोटी सी है, कहां शिव के बारे में सोच रही है, तेरे से ध्यान होगा क्या, तेरे से योग होगा क्या, तेरे से कर्मकांड होगा क्या? राजमहल में पलने वाली, इतने बड़े घर में जन्म लेने वाली, और वो भी किसके लिए, एक फक्कड़ बाबा के लिए। तरह तरह से रोका जाता है कि नहीं आप नहीं कर सकते, माँ अपनी तरह से समझाती है, उनका भाई ज्ञान अपनी तरह से समझाता है। तो मेरे भाई ज्ञान जो है ना, ये अहंकार का प्रतीक है। जो ज्यादा ज्ञानी होता है उसके अंदर ही अभिमान पैदा होता और अभिमानी हो जाता है, और अगर ज्ञानी का अहंकार आ जाए तो उसे विनाश के सिवाय कोई रोक नहीं है। ज्ञान अहंकार का प्रतीक है और समर्पण भक्ति का प्रतीक है। सती को बार बार रोकते नहीं, आप कहां जा रहे हो, छोड़ो उस बैरागी का जो, अरे तुम किसके लिए त्याग कर रहे हो जिसके पास कुछ भी नहीं है।
जटाजूटधारी विरक्त नंदी पे सवार, खाने को नहीं, खाने को रोटी नहीं है, तन पे लंगोटी नहीं है, ऐसे को पाने के लिए तू कैसे त्याग करेगी मेरी बेटी। लेकिन मेरे भाई बहन, किसी को जिह्वा के स्वाद में आनंद आता है तो किसी को सुंदर वस्त्रों में आनंद आता है, किसी को अपनी ओर आकर्षित करने में आनंद आता है, और किसी किसी को अपना ध्यान परमात्मा में आकर्षित करने में आनंद आता है। तो उमा का ध्यान तो परमात्मा में आकर्षित, यहां तो तत्व तो ज्ञान था, यहां तो जीवात्मा और परमात्मा की व्यवस्था। अहम ब्रह्मासि तत्त्वमसि, अयात्म ब्रह्म और परात्म ब्रह्म, ऐसे तो ब्रह्म 14 प्रकार के बताए हैं। जब भेद और अभेद में जाएंगे तो शब्द को भी ब्रह्म बताया गया है। ध्यान कर रही है, मुझे शिव का स्मरण करना है, सबने रोका। आज सती को रोकने के लिए सप्तऋषि भी पहुंच जा रहे हैं। सप्तऋषियों ने कहा, बालिका तेरे से साधना नहीं होगी। किसने कहा कि गृहस्थ घर में बैठी हुई औरत साधिका नहीं हो सकती? अगर साधिका नहीं हो सकती तो गौतम नारी अहिल्या की आज घर घर में पूजा नहीं है। किसने कहा कि संसार में रहने वाला साधक नहीं हो सकता? किसने कहा कि संसार में रहने वाला परमात्मा का अंश नहीं हो सकता? अगर ऐसा नहीं होता महाराज, तो महाराजा जनक को विदेही नहीं कहा जाता। कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच का जो मार्ग है वो तत्व ज्ञान है, उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है। गौतम नारी अगर सती नहीं होती, साधिका नहीं होती, तो गौतम पर आक्षेप करती, मुझे क्यों श्राप दिया? और फिर भी उन्होंने कहा है कि मुनि साप जो दीना अति भलकीना। एक ने त्याग करके प्रभु का चरण रज पा करके स्वर्णिम कीर्ति बना दी, तो दूसरे गौतम ने त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग को आवाहित करके जगत में कीर्ति बना दी। इसे कहते हैं पूरक। आज जहां हमारा कुंभ लगा है वो ज्योतिर्लिंग हमारे गौतम ऋषि के तप का फल है। नासिक में गौतम ऋषि के तपस्या के बाद वहां पर भगवान स्वयं प्रकट हुए। गौतम नारी अहिल्या का त्याग आज भी अमर है, क्योंकि वहां पर दोनों परंपराएं तिवारी जी स्थापित किया है उन्होंने। एक पति होने के बाद और एक पत्नी का अगर रिश्ता होता तो गौतम नारी अहिल्या पलट कर जवाब देती थी और कहती थी, अरे गौतम मेरा क्या दोष है, मैं सुंदर हूं, मुझे प्रकृति ने सुंदरता दी, इंद्र की को दृष्टि पड़ गई तो इंद्र का दोष है, मुझे पत्थर क्यों बनाया जा रहा है। लेकिन यहां पर भाव शिष्य और गुरु के स्थापित किए गए हैं, नहीं तो प्रश्न का उत्तर देती थी। और अगर आप लोग मार्मिक ढंग से जाएंगे तो शिव और सती के मध्य में भी गुरु और शिष्य की परंपरा है, क्योंकि शिव से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं तिवारी बाबा, हनुमान से बड़ा कोई मांत्रिक नहीं, और कृष्ण से बड़ा कोई राजनीतिक। जिस समय तंत्र का ज्ञान दे रहे थे सती को तो व्यवस्था थी कि बिना गुरु दीक्षा किए हम तंत्र की विद्या दे ही नहीं। और वही तंत्र की वो जो शक्ति प्रकट करके जब भगवान शंकर सती को दे रहे थे, वही छीनकर सूर्य देवता ले गए थे, गंगा ने उसकी सेवा की और उसी ही स्वामी कार्तिकेय के रूप से माना गया। भगवान शिव के दोनों पुत्र शरीर से उत्पन्न नहीं है, तंत्र की व्यवस्था है, और शिव से बड़ा घोरी कौन है। अगर आप पढ़ेंगे बाबा तिवारी, तो जब सती विस्मृत हो गई थी, सती भूली गई थी, अपनी स्मरण शक्ति को छीन कर दिया था, तभी शिव ने उनकी अघोरी बनकर उपासना की थी। शिव तंत्र है। आज मां साधना करने बैठी है, मां भी रुक रहे नहीं, साधना नहीं, लेकिन वो पाकर रहेंगे।
साधना, अपने आप को साध लेना ही साधना है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या कार्य कर रहा हूं, यही हमारी साधना है। सब ऋषियों का आगमन होता है, कहते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते, हठ योग। उमा ने कहा देखो जाओ, आज हम आपको श्राप देते हैं, तुमने शिव की साधना में बाधा डाली है, और जो शिव की साधना में बाधा डाले उसको कुछ ना कुछ तो दुखद परिणाम होता ही है। जाओ हम आपको श्राप देते हैं कि जब हम शिव को पालेंगे प्रत्यक्ष दर्शी बनकर देखना, जाओ और आकाश मार्ग में तारे बन के रह देना। वो जो सातों तारे नजर आते हैं वो सप्तऋषि उमा के श्रापित, वहां से देखते रहना, मैं शिव को पाके हैं। और सती ने भगवान शंकर की साधना शुरू की है। ओम नमः शिवाय, ये मंत्र कहीं किताब से नहीं लिखा गया है, न किसी ने आदान प्रदान किया है। भगवान शंकर की प्रथम उत्पत्ति ज्योतिर्स्वरूप में है, और वहां भगवान शंकर के पांच मुख बताए गए हैं। भगवान शंकर के मुख कितने बताए गए? पांच। पहले मुख से निकला है नकार, दूसरे से मकार, तीसरे मुख से निकला सिकार, चौथे से वकार, और पांचवे से यकार, हो गया नमः शिवाय। ये शिव पंचाक्षर है, और इसका स्मरण करने वाला शिव के निकट रहा करता है। और ये जो आज ताल तबले पे बज रहे हैं, ये सारे भगवान शंकर के डमरू से निकले हुए। तिवारी बाबा दिमक दिमक डिडिम बम, इसलिए तबले को दिया पांच चीजें, तिरगिट धागे, इसके आगे कुछ नहीं है, इसी को घटाना जोड़ना बढ़ाना है। और स्वर पक्ष में दिया गया सात स्वर, तो आप लोग जानते हैं। खैर हम तो अंगूठा टेक हैं, संगीत के बारे में हमें कुछ ज्ञान नहीं है संगीत का। और आपको अगर ज्ञान नहीं है तो बता दें कि संगीत से गर्गाचार्य संगीता को पढ़िए तो गूंगा भी बोलता है और बहरा भी सुनता है। हर असाध्य और साध्य बीमारियों का इलाज भी संगीत से किया जाता है। सरगम अगर आप लोग देखते हैं तो उसमें लिखा गया है, बहरा सुन ले गूंगा बोले, सप्तम स्वर में लंगड़ा डोले। नाद ब्रह्म है और इससे अनहृद की प्राप्ति होती है। आप सती ने ओम नमः शिवाय का स्मरण करना चालू किया है, आप सारे भी मिलकर करेंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय।
हर बोले नमः शिवाय।
महेश्वर की, देवाधिदेव महेश्वर की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की, श्री बालाजी महाराज की जय हो। सती ने भगवान का स्मरण किया है, सारे देवता पहुंच करके भगवान शंकर से स्तुति करते हैं, महाराज अब तो विवाह कर लो, अब तो विवाह कर लो। आज भगवान ने उनकी बात स्वीकार की और स्वयं भगवान शंकर चल के महाराज हिमांचल के द्वार पे पहुंचते हैं।